वेलकम बैक। आपको बताएं, शेब अख्तर और नुमान न्यास के दरमियान सरकारी टीवी पर तलखी का मामला है। नुमान न्यास को तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोग्राम करने से रोक दिया गया, जरा ऐसा बता रहे हैं। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर नुमान न्यास को प्रोग्राम करने से रोका गया। नुमान न्यास वजीर इत्तला फवाद चौधरी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, तलखी हुई थी लेजेंडरी फास्ट बॉलर शेब अख्तर और नुमान न्यास के दरमियान सरकारी टीवी पर, और उसके बाद सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद थी जो कि शेब अख्तर को सपोर्ट कर रही थी। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मोहसिन, बताएगा जरा ये बता रहे हैं कि नुमान न्यास को तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोग्राम होस्टिंग से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाकया कौमी स्पोर्ट्स चैनल पर पेश आया था और इस पर एक पीटीवी की जानिब से तहकीकाती कमेटी भी कायम की गई थी और तहकीकात अब मुकम्मल होने तक जराए का ये बताना है कि डॉक्टर नुमान न्यास जो इस प्रोग्राम के होस्ट थे उन्हें प्रोग्राम करने से रोक दिया गया है और तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर उन्हें प्रोग्राम करने से रोका गया है। और लाइव प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर स्पीड स्टार कौमी हीरो शोएब अख्तर को प्रोग्राम से जाने का कहा था और इस मौके पर डेविड गवर, सर विवन रिचर्ड समेत सना मीरा, आकिब जावेद, ये तमाम लोग भी वहां पर मौजूद थे। जब ये ऑन एयर गया सारा कुछ तो उसके बाद सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हुए और हमने देखा कि ना सिर्फ कौमी क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स बल्कि आवाम की भी एक बहुत बड़ी तादाद ने शोएब अख्तर के हक में आवाज उठाई थी और ये कहा था कि कौमी हीरो के साथ इस तरह की बदसलूकी किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है और नुमान न्यास को इस पर अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। यही शोएब अख्तर ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन मैसेज में कहा था कि उन्होंने इसको कवर करने की भी कोशिश की, उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि जैसे कि ये सारा प्लान था ताकि नुमान न्यास इस पर अपोलॉजी करें और इस मामले को खत्म कर दिया जाए। तहम नुमान न्यास की तरफ से जब माफी नहीं मांगी गई तो उसके बाद ये मामला बढ़ गया और अब उसके बाद ये मामला बढ़ गया। मोहसिन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।